नमस्कार दर्शकों, टाइम हो गया है आज की सुपरफास्ट खबरों का, तो शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। विराट के बयान से सब साफ हो गया है। कोहली ने कहा, रोहित से टकराव नहीं, अफ्रीका की वनडे खेलूंगा, कप्तानी से कहला तक हर जवाब दिया। ओमिक्रॉन का खतरा, कोविड टास्क फोर्स के चीफ बोले, नए वेरिएंट को हल्के में न ले, इस पर वैक्सीन बेअसर हो सकती है। अगले 4 में से 3 दिन बंद रहेंगे, कल और परसों हड़ताल, फिर रविवार की वजह से नहीं होगा कामकाज, अगले हफ्ते फिर बंपर छुट्टियां। लखीमपुर कांड पर संसद से जोरदार हंगामा, लोकसभा में विपक्ष ने दिखाया तीव्र, राहुल बोले, मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा जरूरी। सीडीएस टॉपर क्रेश में एक और दुखद खबर, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु के अस्पताल में 7 दिन बाद हारी जिंदगी की जंग। दुनिया में फिर भारत की धाक, भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप में शनेल की सीईओ बनी, 8 साल पहले लंदन शिफ्ट हुई थी। कांग्रेस ने दीदी से पल्ला झाड़ा, 12 सांसदों के निलंबन पर सोनिया ने विपक्ष की मीटिंग बुलाई, रांका पर शिवसेना पहुंचा, ममता को न्योता नहीं। बॉर्डर 15 से खुलेगा, हल्के वाहनों के लिए सेनापति की तरफ से सारे अवरोधक हटाए गए, भारी वाहनों के गुजरने पर अभी पाबंदी रहेगी। करीना कपूर की सोसाइटी सील, करीना का दावा, मुझ पर दोष डालना सही नहीं, पार्टी में मौजूद एक बीमार सदस्य ही इसके लिए जिम्मेदार। मोदी देर रात बनारस की गोलियों में निकले, 12:30 बजे पैदल ही गोलोदिया चौराहा पहुंचे, फिर विश्वनाथ कॉरिडोर में रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। सुपरफास्ट में आज के लिए इतना ही, ऐसे ही देश और प्रदेश की खास खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।